हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। टुडे इज़ 18 अक्टूबर 2021। पहले हम ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट्स बंद थे, बट यूएस मार्केट्स थर्सडे और फ्राइडे का जो इफेक्ट होगा इंडियन मार्केट्स के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमने फ्राइडे और थर्सडे जो यूएस मार्केट्स में ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की रैली देखी है, लेड बाय दी बैंकिंग स्टॉक्स, जहाँ पे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं, जिसके वजह से यूएस मार्केट्स में काफ़ी तेज़ी रही। नैसडेक थोड़ा प्रेशर में रहा एज़ कम्पेयर टू दी अदर इंडाइसेस। तो हम देखेंगे टुडे भी, आज भी इंडियन मार्केट्स में बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज अगर HDFC बैंक के भी जो रिजल्ट्स आए थे वीकेंड को, वो भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके वजह से हम देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स शुड डू वेल। एशियन मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे वीकनेस हम देख रहे हैं आज के दिन में, बट फ्राइडे के दिन में वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था। तो हमारा जो आज मार्केट रिएक्ट करेगा वो दो दिन के डेटा प्लस वीकेंड का जो रिजल्ट्स होगा उसके बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ट्रेड करेगा बेसिकली। तो हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स आज थोड़ा वीक ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज चाइनीज़ आज GDP डेटा आया है वो थोड़ा सा कमज़ोर आया है एज़ कम्पेयर टू दी एस्टिमेट्स ऑफ दी मार्केट। ब्रेंट क्रूड काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, $85 के ऊपर आ चुका है। गोल्ड थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ है, 1770 पे आ चुका है। रुपी एक अच्छी खबर है, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है, सो 75.26 पे ट्रेड कर रहा है। थर्सडे के दिन हमने देखा FIIs ने अच्छी खासी खरीदारी करी, 1681 करोड़ की खरीदारी करी और DII ने 1750 करोड़ की बिकवाली की। 10-year GSEC फ्लैट ट्रेड कर रहा है, करीबन 6.32 6.33 के रेंज में, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं। निफ्टी की हम बात करें अब, तो निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी रहेगा 18,250 का। रेजिस्टेंस जो मल्टीपल रेजिस्टेंस रहेंगे वो 18,400 एंड 18,500। मेरे ख्याल से गैप अप जो ओपनिंग होगा वो 18,400 के ऊपर ही होना चाहिए। कुछ न्यूज़ हैं जो इंडिया पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इम्पोर्ट मल्टीफोल्ड बढ़ चुके हैं, जो $24 बिलियन के गोल्ड इम्पोर्ट हुए हैं फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, सो फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे हमने देखा करीबन $24 बिलियन का गोल्ड इम्पोर्ट हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, जो कि अच्छी न्यूज़ है, वहाँ पे ऑलमोस्ट $2 बिलियन की हमने बढ़त देखी और 639.516 बिलियन पे आ चुका है, जो कि अच्छी खबर है। रियल एस्टेट, ये जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से पॉजिटिव भी रहा हूँ, वहाँ पे हम देख रहे हैं PE जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जुलाई से सितंबर जो क्वार्टर है वहाँ पे 24% एनुअली बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। इट इज़ एट 3,500 करोड़ की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुई है फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर। सो ये एक लास्ट क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा हम रियल एस्टेट में एक्सपोजर देख रहे हैं फ्रॉम दी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। मैंने लास्ट वीक से काफ़ी बार मैंने मेंशन किया अबाउट दी पोर्ट्स, सो अडानी पोर्ट और मझगांव पोर्ट के बारे में हमने डिस्कशन करी थी, और हमने देखा अडानी पोर्ट में एक काफ़ी शानदार जंप हमने देखा, सो ऑलमोस्ट 7% का हमने जंप देखा और 813 पे क्लोज हुआ है। इट हैड अ मल्टीपल रेजिस्टेंस बिटवीन 760 to 780, उसने आराम से सरपास करके एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, और हमारा जो टारगेट है 900 का उसके तरफ हम वो स्टॉक जाते हुए देखेंगे। ITC ये हमने 240 पे मेंशन किया था, एंड बाइंग ऑन एवरी डिप टूवर्ड्स 230 का लो बनाने के बाद ऑलमोस्ट अब 260 का हाई बना चुका है, क्लोजिंग 257 की आई थी, तो उसमें भी अच्छी खासी हमने जंप देखी है मोर देन 10% की। L&T ये भी हमारा इंफ्रा इन स्पेस, काफ़ी हम पॉजिटिव रहे हैं अभी भी है, तो 1790 का क्लोज आया है, 1820 का ऑलमोस्ट हाई बनाया था थर्सडे के दिन, और अभी भी मुझे लगता है इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ बाकी है। बैंक्स में भी मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, अभी भी हूँ, और HDFC बैंक का जो रिज़ल्ट है वो कन्फर्म करता है कि बैंकिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, बीट PSU बैंक, बीट MNC बैंक और बीट योर प्राइवेट बैंक्स।
सो वहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक की काफ़ी अच्छे आज परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो PSU बैंक्स है जैसे कि SBI, PNB, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैं पॉजिटिव रहा हूँ। बलरामपुर चीनी, ये मैंने आपको मेंशन किया था, करीबन 380-385 के जोन में वहीं क्लोज हुआ है, कोई ज़्यादा एक्शन हुआ नहीं है, बट ये आपको बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। मेरा अच्छा खासा इस पर टारगेट है, अगर आप होल्ड करते हो ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months और इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म विच इज़ 1 year+। सीमेंट सेक्टर में भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं इंफ्रा एज अ स्पेस, इफ इट इज़ डूइंग वेल द सीमेंट काउंटर शुड डू वेल, सो LNT एक आ जाता है, वो इंफ्रा स्पेस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है और उनके सीमेंट सेगमेंट भी है। वैसे ही एक छोटा स्टॉक है उदयपुर सीमेंट्स और JK लक्ष्मी सीमेंट, ये भी अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। मजगांव 268 पे क्लोज हुआ था विच इज़ फाइन। भेल FNO बैन में आया है तो 80 का हाई बनाने के बाद 74 पे रिट्रेस हुआ है, टूअर्ड 70 अगर किसी को बाय करना है तो वो कर सकते हैं। गैब्रियल, ये हमारा स्टॉक काफ़ी बार हमने इस पे चर्चा की है, 160-162 का हाई बनाने के बाद ये हमेशा रिट्रेस होता है। थर्सडे के दिन, एक दो दिन पहले की बात है, 168 का इंट्राडे हाई भी बनाया था बट इमीडिएटली रिट्रेस होके 162 के नीचे क्लोज हुआ, बट मेरा अभी भी व्यू पॉजिटिव है इसमें। ये मैं टारगेट टूवर्ड्स 200 रुपीज़ की तरफ देख रहा हूँ। BPCL, ये हमारा बहुत पुराना स्टॉक है जहाँ पे मैं पॉजिटिव रहा हूँ, वहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। प्रिंस पाइप और एक स्टॉक है, मैंने आपको टूवर्ड 700 भी मेंशन किया था, अब 750 तक आ चुका है, यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। पावर सेक्टर, ये मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, स्टार्टिंग विद टाटा पावर एट अराउंड 115-120 के जोन पे, आप देखिए कहाँ पे वो स्टॉक आ चुका है, 220-225 पे। उसके साथ साथ जीनस पावर भी मैंने कहा था करीबन 70 के आसपास, वहाँ पे इतना ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं है तो 83.40 का हाई बनाया है और ये 3 digit की तरफ जाना चाहिए और मेरा टारगेट इस पे 3 digit से और भी ज़्यादा है, करीबन 120-125 का, तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। इसके साथ साथ फिलाटेक्स है विच इज़ ऑन दी टेक्सटाइल, वहाँ पे मैं पॉजिटिव रहा हूँ और अभी भी हूँ। कैनरा बैंक ऑन दी बैंकिंग PSU साइड, वहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ। टाटा मोटर्स की हम बात करें तो टाटा मोटर्स में थर्सडे के दिन थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आई थी तो यहाँ पे एक ज़्यादा कोई फॉल मुझे दिख नहीं रहा है। एक अच्छा खासा टारगेट हमने जो सोचा था वो है करीबन 1550 से लेके 600 के जोन पे, आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर सकते हैं, अभी भी इसमें मोमेंटम है, एक दो दिन की करेक्शन होगी और फिर से यहाँ पे मोमेंटम शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स 550-600 रुपीज़, तो आप इसमें बने रह सकते हो या अगर आपको फ्रेश ऑन एवरी फॉल देखना है तो इसमें बाय भी कर सकते हो। उसके साथ साथ अडानी पावर, सॉरी वन मोर पावर स्टॉक जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, मैं उसमें भी पॉजिटिव हूँ। 112 का सर्किट लगाया था थर्सडे के दिन और अभी भी मुझे लगता है इसमें मोमेंटम है टूवर्ड्स 125-130 लेवल्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो, अगर आपके भी कोई स्टॉक्स या सेक्टर हैं जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन चाहिए, राय चाहिए, तो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स कलीग्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।